Uh, मैं दोहराने की कोशिश करती हूँ पीछे उच्चारण करने की कोशिश सर्ग सर्ग यम्यम मन साम्य स्थित मन

वो जिनके अत स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन के स्थित रहते जैसा के ऊपर है एक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है प्राप्त कर लिए उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए इसी प्रकार जब जीव आसक्तित्व घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को तो मानना चाहिए उनके लक्षण आगे बतलाए गए ओम ज्ञान तिमिर ज्ञान, 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 ज्ञान। आ, मिली तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्ट एन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदातिक वंदे हम श्रीगुरोपल श्रीगुरो वैष्णवा चीप साग्र सगण रघुनाथ्वीत तम सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पदा स गणलिता श्री विश्वाका नमो विष्णु विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाशातरिणे वंशा कलपतरूपे चुप सेन्धु

कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, राम 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 अरे, रे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 के चरणों में प्रणाम करती हूँ प्लीज प्रणाम स्वीकार करिए कृपा की याचना करती हूँ कि मैं जो एक थोड़ी देर के लिए जो कुछ बोल करू वो में अच्छे से बोल जाना है हरे कृष्ण हमने देखा कि ये जो पांचवा अध्याय कर्म कर्म एक को यहाँ पे कृष्ण प्रभावित कर्म कहा गया कर्म दो सकाम कर्म और निष्कर्म जो सकाम कर्म करते उससे हमें कुछ फल प्राप्त लेकिन वो तो भक्ति का ही कर्म बन जाता है और इसीलिए यदि कोई पूछे अल्लाह को क्यों इस प्राधान्य दिया गया है तो ये इस पे से हमें समझ में आ जाएगा वो हम भक्ति यानी भगवान को अर्पण करते तो भक्ति पूर्ण हो जाता है और उसे ही हम तो ये जो भक्ति पूर्ण कर्म है इसका हमने ये चैप्टर का छह भाग पहले दो भाग हम देख चुके हैं अभी ये तो इसमें बताया गया है कि कर्म योगी कैसे कर्म करते हुए मुक्त रह सकते हैं। ये सत्रह से उन्तीस श्लोक तक चर्चा हो रही है इसमें तो वही चर्चा हम अभी देखने जा रहे हैं। हम सत्र श्लोक में देखा था तत बुद्धय तत आत्मन तत नयना हा। इसमें हमने देखा है कि बुद्धि मन और श्रद्धा और शरण जो हम भगवान की शरण लेते ये सब जब स्थिर हो जाते शरणागति ले लेते हैं यानी इसका है कि हम वाचा ये जो हम कार्य करते हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है समाश है वो शुद्ध हो जाते हैं और मुक्ति के पंथ फिर सर हो सकते कल के श्लोक में देखा था हमने कि जो ये ज्ञान संपन्न व्यक्ति है वो हर एक में जैसे ब्राह्मण गाय हाथ और कुत्ता और जो कुत्ता भक्षी लोग देखता है समदृष्टि हो जाती है उसे ही और यहाँ पे यह शब्द आया ये इसी जीवन में जब हम भगवान को प्राप्त शरणांग और सब कार्य हम भगवान को अर्पण कर जब हम कलमस से मुक्त हो जाते हैं तो इसी जीवन में हम ब्रह्म के समान बन जाते हैं ये दो शब्द आए एकत्व एक एकत्व एक जैसा देखना एकत्व एक, एक जैसा एक, एक के भावना के बारे में हमें क्यों सोचना पड़ता है क्योंकि राग द्वेष के कारण जहाँ राग है द्वेष और जब तो हम एकत्व एक में नहीं रह पाते तो इसलिए राग और द्वेष से परे जाके जब हम एकत्व एक में सबको देखते हैं समता तो समता में हैं जब हम देखने लगते तो भी फिर ये मेरा मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है ये मेरा है वो मेरा है ये तेरा मेरा तो हम जो कुछ भी है सब भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाना है यही हम सोचते हैं और यही सोच हमें भक्ति में आती है और जो ये इसी सोच लेता है वो भले ही इस जीवन में रहे वो क्या होता है से परे हो जाता है जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेते लोग कहते हैं आप बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलो आप सब कुछ पा जाओगे भगवान के धाम लोग पूछते हैं हमें कि आप तो इतने साल तो भगवान के धाम जाना इसका मत ऐसे रहता है ना हमने टिकट तो प्राप्त कर ली का कीर्तन करके लेकिन जब हम कुछ हमें जाना रहता है बाहर जब हम टिकट बुक करते हैं होती है या जिस दिन का हमारा फ्लाइट होता है उस फ्लाइट के समय हम विमानतल चले जाते हैं और फ्लाइट आने का हम इंतजार वैसे हमें टिकट तो एश्योर हो गया है बस बातें जब तक फ्लाइट एश्योर तो है और हम उसमें चढ़ नहीं जाते तब तक ये मेरी भक्ति का प्रचार करते रहे जब भक्ति का प्रचार अच्छे से कर लिया है तो हमारे लिए तुरंत फ्लाइट आ जाएगी और जैसे हम फ्लाइट में चढ़ जाएंगे चले जाएंगे तो वैसे लेकिन जिसके पास टिकट नहीं वो इधर उधर ही घूम वैसे ही जो अभक्त है जिन्होंने भगवान का सहारा भगवान को नहीं जानते वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते इधर उधर ही घूमते क्योंकि उनके पास टिकट नहीं है नहीं कर लेते तब तक वो उनका घूमना चालू ही रहता है के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में स्थित रहते जैसे ब्रह्म निर्दोष है ब्रह्म में कोई दोष नहीं है भगवान ने हमारे साथ ऐसे किया वो किया वो किया ऐसा क्यों किया कुछ दोष को पे अः लगाने की कोशिश करते लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हम जो कर रहे हैं वो ब्रह्म को दोष लगाना कभी भी योग्य दोष ब्रह्म तो निर्दोष है फिर वो चाहे बड़े से क्यों ना हो उसको भी तो वो खाने पीने को सब देता है हमें भी देता है दोषी कैसे हुए तो हम उनमें दोष नहीं ढूंढ सकते वो निर्दोष है उनके जैसे ही जो सब दृष्टि समान देखते हैं वो भी निर्दोष है और वे फिर सब हमेशा ब्रह्म में स्थिति रहते उन्हें अलग से देखने की नहीं देख पड़ती और इसीलिए तो भगवान भी अपने भक्त जो थे उनको कहते उद्धव जी को कृपाल कृपालुहू अकृत द्रोहिना सत्यसार अणव सर्व उपकारक मेरा भक्त कृपा की मूर्ति भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है यानी मानता है कि जो कुछ मेरे पे संकट आ रहे या जो प्रॉब्लम्स आ रहे मेरे साथ वो केवल और केवल मेरे कर्मों के कारण है मैं तो केवल भगवान का दास हो और मेरा काम है भगवान की ना और इसलिए उन्होंने एक सतीश्री निर्बय साधव समर्षण माम भक्त सत्श्रीय अपने पातिवृत्य कर लेती है उसी तरह हृदय को आ, भक्त अपने हृदय के द्वारा भगवान को वश में कर ले आ, भक्त पराधीन तंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय के मैं भगवान भगवान कहते हैं कि मैं, है मैं भक्तों तो के मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है और मैं भक्तों से उन सीधे सादे सरल हृदय के कारण जीत लिया जाता हूँ और भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं इसी उदाहरण हमें मिलते है भगवत के हम सब भगवान भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं जाते उसका एक सुंदर उदाहरण निरपेक्ष जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है जो जगत के चिंतन से होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग न रखकर सब रखता है उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर करता हूं कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ना पवित्र होगा भगवान शील है तो हम उन पे दोषारोपण कैसे कर सकते हैं हमें भी बनना है और केवल भगवान की ओर आगे प्रयास करना है और इसी श्लोक में उन्होंने वो ही बताया है क्या है वो शक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दो और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए और उनके लक्षण क्या होते हैं वो भी हमें आगे के श्लोकों में प्राप्त हो गए तो हमें इस श्लोक में के हमें सब भी ओर से एकता स्थापित करनी और सभी को हमें एक दृष्टि से देखना है और भगवान का जो हम दास है उसकी की सेवा करने का ही सोचना है ना कि हमें किसी के द्वेष करना है ना ही अनुराग करना है ना ही किसी से असक्त तो होना है केवल और केवल भगवान में ही हमें अनुर, अनुरक्ति लगानी है तभी हमारा कार्य जो पथ जो है असली राह पे चल उद्देश्य सफल हो जाएगा हरे कृष्णा सॉरी मैं थोड़ा ही बोल पाई बाकी प्रभु जी शायद बताने की कोशिश हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी थैंक यू वेरी मच पांच मिनट में आता हूँ तो सर या तो जैसे कि हाँ माता जी ने बताया ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है इसको यदि मैं थीमेटाइज करूँ तो इस श्लोक का थीम ये बनता है कि ऐसे आत्म जीव जो पदार्थ के प्रति कोई आकर्षण या घृणा नहीं होती इसीलिए वे और निष्पक्ष होते हैं हैं और ऐसे ही भगवान हमारे कि वे सबके प्रति सम्मान है सम्मान सम्मान व्यवहार करते हैं तो प्रभुपा जी जब इसका तात्पर्य लिखते हैं तो इसमें से हमें प्रैक्टिकली दो चीजें कुछ चीजें समझ में आती है कि कृष्ण के भक्त जो होते हैं वे अपने साथ होने वाली हर चीज को कृष्ण की दयालुता के रूप में पहचानते हैं और इसीलिए हर चीज कुछ भी हो वह भक्तों की भक्ति को ही बढ़ाता है उसके लिए भागवतम का दसवें स्कन का चौदहवें चैप्टर का आठवां जो श्लोक है तत्ते अनुकंपा वो बहुत ही अच्छा है ये है मेरे प्रिय भगवान वह जो ईमानदारी से आपकी अहेतु की वरदान की प्रतीक्षा करता है उस पर दया करो हर समय धैर्यपूर्वक अपने अतीत की प्रतिक्रियाओं को सहते रहो दुष्कर्मों और हृदय से वचन से और आपको पूर्वक प्रणाम करता है शरीर निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है क्योंकि यह उसका उचित दावा बन गया है तो ऐसे जो भक्त होते हैं ना वह मुक्ति पाद है जैसे हम प्रभुपाद बोलते हैं ना ऐसे ही मुक्ति पाद बोलते हैं उनको जो पहले से ही मुक्त होते हैं जो भगवान की हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमें वही समझाया कि मन की सप्ताह मतलब आत्मबोध का संकेत और भगवान और जीव निर्दोष कैसे है वो तो मन की क्षमता में क्या आता है कि समचित्तता का महत्व कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को पदार्थ पर विजय प्राप्त करना माना जाता है जब परिस्थितियां विशेष रूप से अघर हो या जन्म और मृत्यु के भी जाए तो इस प्रकार जब कोई ये स्थान हासिल कर लेता है तो कोई पुनर्जन्म नहीं है लेकिन भक्त भग, जो होते हैं वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं और भगवान और जीव निर्दोष को कहलाते हैं क्योंकि आध्यात्मिक मंच पर वे सभी आकर्षण और से मुक्त होते हैं तो यही उन्हें जीवित कॉन्शियसनेस बनाता है और आध्यात्मिक दुनिया के योग्य कहलाता है तो जैसे माता जी ने हमें बताया था कि हमें तीसरे पाठ में ये बहुत महत्वपूर्ण तो चीजें सीख रहे हैं यहाँ पर तो हमें इन्हीं चीजों को अपने जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हमें इनको लाना जरूरी है एक लेक्चर चल रहा था प्रभु जी का तो उसमें वो समझाते हैं कि कैसे एक एक शब्द के द्वारा ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण तो होता है ईह ए तो उसका बोलते हैं कि इसी संसार में इसी जीवन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एव का मतलब क्या हुआ कि निश्चित रूप से तह मतलब उनके द्वारा जीत सर्ग उन्हें जीत लिया है तो देखिए जो सर्ग की यहां बात हो रही है ना वो जन्म और मृत्यु का चक्र है और उसको जीत लिया जाता है कौन किसके द्वारा तो यम मना जिनका मन साम्य या फिर संभाव में स्थित होता है जो फिर से देखिए आप अठारवे श्लोक से वो कनेक्ट करता है समदर्शिना शब्द से तो वट इज रिक्वायर्ड इज कि हमें कभी भी किसी में भी कोई भी परेशानी नहीं देखनी है सम्य भाव संभाव यह बहुत जरूरी है कि उन्हें ब्रह्म निर्देशम के समान अच्छा बना बन सकते हैं यदि हम किसी में कोई दोष नहीं है ये देखते हैं वरना हम त्रिगुणों से तो पूरी तरह से भटके हुए हैं ही ना उनसे बाधित है तो इसीलिए हमें हर एक में क्या दिखता है सबसे पहले दोष ही दिखता है उनके अंदर की अच्छाई दिखाई नहीं देती है फिर जब हम चैंटिंग करते हैं भक्तों का संग लेते हैं तो फिर हम सुनना शुरू करते हैं फिर सुनने के बाद हम चैटिंग शुरू करते हैं फिर चैंटिंग करने की वजह से थोड़ा थोड़ा क्या होता है चेतो दर्पण मार्जनम होता है तब हमें सामने वाले की बुराई की जगह सामने वाले में की कोई अच्छाई होगी तो वो दिखना शुरू होता है और उसके बाद में फिर जब हमारा पूरा मार्जनम हो जाता है ना तब फिर हमें सामने वाले में स्थिति मतलब आत्मा जो है परमात्मा वह समझ में आने लगता है और फिर जब गुरु की कृपा हो जाती है और आगे हम बढ़ जाते हैं तो देन वी रीच द स्टेज ऑफ कि अब हमें सेवा ही करनी है भगवान की और भगवान के भक्तों की और उसके बाद में फिर वो स्टेज आती है जहां पर हमें प्रेमा भक्ति मिलती है और हमें किसी में कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं दोष रहित होने का अर्थ क्या है तो हमें भी वही समझकर हमारे जीवन में है ना ये बदलाव लाना जरूरी है निर्दोषता का मतलब है कि किसी में राग या द्वेष नहीं है तो यह जरूरी है इसलिए श्री कृष्ण ने कहा तद बुद्धयस तद तत आत्मानस तत्निष्ठास तत्परायण वी तो हैव टू रीच दैट स्टेज और जब हम उस स्टेज को मिल जाते हैं ना तभी हम सुटेबल बनेंगे कि हम आध्यात्मिक दुनिया में गोलूक वृंदावन में प्रवेश करें और जब हम वहां प्रवेश करेंगे तो ही हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो पाएंगे तो इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है संग से कि पहले हम संग लें जब हम संग लेंगे तो भक्तों की हम पर कृपा होगी भक्तों की कृपा होगी तो हम श्रवणम करेंगे हम सवनम करेंगे तो फिर हमें जपा करने का मन करेगा फिर हम जपा करेंगे कीर्तन करेंगे और जब वो होगा तो हृदय की शुद्धि होना शुरू होगा और उसके बाद रुचि निर्माण होगी उसके बाद हमें मिलेगा ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और फिर हमें सामने वाले में अब कुछ अच्छा होगा तो वो अच्छा ही दिखना शुरू होगा और फिर अच्छा ही दिखना शुरू होने के बाद में फिर क्या होगा हम पर गुरु की कृपा होगी गुरु की कृपा होगी तो हमें दीक्षा मिलेगी दीक्षा मिलेगी तो हमारा भगवान के साथ गुरु के द्वारा जो एक पारदर्शक माध्यम है संबंध प्रस्थापित हो जाएगा और हम जो कुछ भी सेवा करेंगे वो भगवान तक पहुंचना शुरू होगी और फिर गुरु हमसे सेवा करवाएंगे हमें सही मंत्र का उच्चार कराएंगे तो हमारा और शुद्धिकरण होगा और जैसे ही यह शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है तब ये जो अवस्था यहाँ पर बताई गई है उस अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं कि अब हमें सामने वाले में दोष भी नहीं दिखते और अच्छाई भी नहीं दिखती हम हर एक में क्या देखते हैं परमात्मा देखना शुरू करेंगे और फिर जब ये हो जाएगा और जैसे कृष्ण ने हमें बताया है कि हर जगह पे किसको याद करना है मुझे याद करो तो हम हर जगह पे मनमनाभ मद भक्तो मध याची माम नमस्कुरु जो बोला है उस हिसाब से पानी पीते हुए भी हम सोचेंगे अरे ये तो कृष्ण का टेस्ट है इस तो इसका टेस्ट है कुछ सुगंध आएगा तो हम सोचेंगे अरे ये सुगंध तो कृष्ण ने दिया है तो हर चीज में उजे उजाला है भले ही वो मूनलाइट हो सनलाइट हो या ये इलेक्ट्रिक लाइट हो जो अभी आया है हमारे यहाँ पे तो उसको भी हम सोचेंगे कि अरे ये यहाँ से आया है दिस हज कम फ्रॉम कृष्णा तो ऐसे हर वक्त हम कृष्णा को याद करते रहेंगे और जब हर वक्त हर चीज में हम कृष्ण को याद करेंगे तो हमारा पूरा जीवन जो है वो कृष्णमय हो जाएगा और जब जीवन जो कृष्णमय हो जाएगा तो अंत मुक्तवा कलेवरम हम अंतकाल में भगवान को याद कर पाएंगे और अंतकाल में यदि भगवान को याद कर पाए तो ही हम इस कलेवरम से, तो से मुक्त हो पाएंगे क्योंकि फिर क्या होता है हमें भगवत धाम में प्रवेश मिल जाता है आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश मिलता है और वहां पर हमें परमानेंट सेवा मिलती है और परमानेंट सेवा मिलने के बाद कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तो ये साइकिल तो से हरेक को गुजरना होता है कोई पहले स्टार्टिंग में होगा कोई आगे पहुंच चुका होगा बट साइकिल इज सेम फॉर एवरी नारद जी के साथ भी यही हुआ प्रभुपाद जी के साथ भी यही हुआ सबके साथ यही हुआ है सबके साथ यही होते रहेगा तो हमें उस हिसाब से हमारी साधना में ज्यादा भर देना होगा ज्यादा से ज्यादा ठीक से साधना करनी होगी ताकि हम धाम पहुंच पाए और कृष्ण बोलते हैं कृपया मेरे आदेश का पालन करो कृष्ण ने ज्यादा आदेश नहीं दिए देखिए पहला यही दिया सर्वधर्मान्परित मामे कम शरणम रचन दूसरा बोला मन मना बो तो, मध्याजी माम नमस्कार और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो तीसरी बार बोला उन्होंने यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश बस हमें यही तीन चीजें करनी है अपनानी है और यही भक्ति योगा है हरे कृष्ण तो अभी हम भले कर्म कर्मयोगा के संबंध में पढ़ रहे हैं बट कर्म योगा फाइनली जब आप अपने लिए नहीं करते हो भगवान के लिए कहते हो भगवान के बोले गए कर्म करते हो तो वो भक्ति योगा कहलाता है डिफरेंस योगा और भक्ति योगा में यही रहेगा कर्म योगा कर्म करो और फल भगवान को दे दो और भक्ति योगा क्या है जो भगवान ने बोला है वह करो तो आगे जाकर यही आगे आएगा कि कैसे डायरेक्ट भगवान की सेवा करो हाँ डायरेक्ट भगवान की सेवा करो तो वही होगा जैसे अर्जुन ने युद्ध कर, कर उसका फल कृष्ण को नहीं दिया कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि युद्ध करो तब अर्जुन ने बोला तव वचनम जैसे आपने बोला है वैसा कर हूं आपके लिए कर हूं तो उसको भक्ति योगा मिल गया तो हमें भी वही अपनाना है और जीवन को जो है वह सही में लेकर जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है हरे कृष्णा आप में से किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं तो हम चर्चा को यहीं विराम देंगे आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सवेरे भागवतम कक्षा जारी रहेगी सचिव प्राण गौर प्रभु जी के द्वारा हरे कृष्णा कृपा सिंधु पतिता नाम पाणेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नम चैतन्य महाप्रभु की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय संवेद भक्तवृंद की जय हरे